एक मैगी के लिए दरभंगा को जलने के लिए छोड़ दिया गया था, और जिस प्रकार की जो यहाँ मूवमेंट बनी थी, उस मूवमेंट के कारण कई लोग घायल हुए हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं, आग बुझाने के क्रम में जख्मी हुए हैं। लोगों को लाख बार सोचना पड़ेगा कि एक मैगी के लिए इतना बड़ा घटना हो भी सकता है। मेरी दवा की दुकान है, हम मैगी नहीं बेचते हैं, पहली बात। हमारे बगल में जो है वो जनरल स्टोर है, दुकानदार अवेलेबल नहीं है, तो हमने बोला कि 2 मिनट इंतज़ार कर लीजिए, दुकानदार आता है तो उसके बाद आपको मैगी दे देगा। 2 मिनट वो इंतज़ार किए, लेकिन दुकानदार नहीं आया, ठीक है। उसके बाद इनको हम बोले कि अब बोले हमको कि दो मिनट आप लोग मजाक करते हैं, बोले 2 मिनट में दुकानदार आ जाएगा, नहीं आया। उसके बाद गाली गलौज देने लगे, तब तक दुकानदार आ ही गया। दुकानदार बोला क्या हुआ भाई साहब, बताइए ना क्या लीजिएगा। फिर भी उनके बात नहीं किए, उनसे भी बात नहीं किए, दुकानदार से भी नहीं। फ़ोन किए अपने साथी सबको, सब दारू उरू पी के आए हुए थे। देखिए 12 बजे के करीब में मेरा दोस्त मुझे फ़ोन किया कि दोस्त का नाम क्या है? दोस्त का नाम है आदिल खान, जो कि मुझे फ़ोन किया कि भाई मेरा दुकान पूरी तरह से जल गया, तुम लोग कहाँ है जल्दी आओ, ठीक है। तो 12 बजे के करीब में हम यहाँ पहुँचे हैं। जब हम पहुँचे हैं तो फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ सामने लग के मतलब इस सबको आग बुझा रही थी। पूरा आग का लपटा बहुत दूर दूर तक दिख रहा था। हॉस्पिटल के नज़दीक दवाई दुकान, मैगी दुकान यानी किराना दुकान में जो घटना घटी है, तत्कालीन कारण पता चल चुका है। लेकिन एक कारण, जो मात्र 5 रुपये का मैगी बना, तो समझ लीजिए कि समाज किस दशा और दिशा की ओर जा रहा है, जहां पेट की क्षुधा को समाप्त करने के लिए इतना बड़ा तांडव किया जा सकता है। तो ये समाज में किस प्रकार का ये दिशा है और समाज किस धारा में जा रही है, ये सोचने वाली बात है। तो आइए, हम आपको प्रत्यक्षदर्शी और यहाँ के दुकानदार हैं भाई से बात करवाते हैं कि आपके साथ रात में 5 रुपये के मैगी के लिए कहा इतना बड़ा घटना हो गया। जब 5 रुपये में मैगी मिल रहा था, मांगा तो दे देते, इतनी बड़ी क्षति जो हुई है, 5 करोड़ या 10 करोड़ की जो क्षति हुई है, ये तो क्षति आपको नहीं होती? नहीं, मेरी दवा की दुकान है, हम मैगी नहीं बेचते हैं, पहली बात। हमारे बगल में जो है वो जनरल स्टोर है, दुकानदार अवेलेबल नहीं है, तो हमने बोला कि 2 मिनट इंतज़ार कर लीजिए, दुकानदार आता है उसके बाद आपको मैगी दे देगा। 2 मिनट वो इंतज़ार किए, लेकिन दुकानदार नहीं आया, ठीक है। उसके बाद इनको हम बोले कि अब बोले हमको कि दो मिनट आप लोग मजाक करते हैं, बोले 2 मिनट में दुकानदार आ जाएगा, नहीं आया। उसके बाद गाली गलौज देने लगे, तब तक दुकानदार आ ही गया। दुकानदार बोला क्या हुआ भाई साहब, बताइए ना क्या लीजिएगा। फिर भी उनके बात नहीं किए, उनसे भी बात नहीं किए, दुकानदार से भी नहीं। फ़ोन किए अपने साथी सबको, सब दारू उरू पी के आए हुए थे, साथ में होली मिलन समारोह था कि क्या था, वो एक पार्टी से आए, हम लोग पर सीधा हमला किए हैं, कैंची से हमला किए हैं। आप पे कैंची से? कैंची से, काउंटर पर जो कैंची रखा रहता उस कैंची से हमला किए हम पे। साथ में हमारे जो साथ जनरल स्टोर वाले थे, उनको मारा पीटा गया, 3 आदमी को जलाने की कोशिश की गई। घटना एकाएक इतना बड़ा रूप बनने से पहले कुछ पृष्ठभूमि तैयार हुई होगी, चाहे तूतू मैं का जो एक राग होता है या जो मूवमेंट होता है वो तैयार होता है दोनों पक्ष के माध्यम से, फिर जोश है, एक प्रकार से जोश आता है कि चलो इसे ऐसा कर देते हैं। ऐसा भी घटना होने से पहले जब आग के हवाले किया जा रहा था, तो उससे पहले किस प्रकार की घटना परिदृश्य बनी थी? अंतिम मूवमेंट ये हो गया, वो लोग आए, आने के बाद जो 20-25 आदमी आए 4-5 मोटरसाइकिल से, आने के बाद हम लोग बोले क्या हुआ, क्या दिक्कत है बताइए, नहीं माने, जब पिए हुए थे नहीं माने हम लोग। उसके बाद जब हो हल्ला हुआ, हमारे खून गिरने उन्हें लगा, तो हम मोहल्ले के आदमी सब आया, देखा कि मार पीट रहा है, तो उसके बाद उन लोगों को मोहल्ले का आदमी सब साइड करके किसी तरह हटा दिया। हटा दिया माने जब वो लोग 20-25 के संख्या में थे, या ग्रामीण मोहल्ला के लोग जो है कुछ जमा हुए, 5-10 आदमी जमा हुए, तो वो उन लोगों को हटाने का प्रयास किया और लोग हट भी गए, फिर मूवमेंट अलग तरीका से बनता है। हटने के बाद वो 25 आदमी 250 आदमी को लेके आता है, फिर मुँह में आने के बाद क्या होता है? मुँह में जब 250 आदमी आता है, तो वहाँ से जब हम लोग यहाँ पर क्या बाइट यही कटा हुआ जी, तो यहाँ पर जो मोहल्ले के आदमी थे, तो वहाँ से पत्थरबाजी चालू किया, तो सब अपने जहाँ तहाँ भागने लगे। हम लोग मार्केट के अंदर घुस गए, ग्रिल बंद कर लिए, शटर हम लोग पहले बंद कर चुके थे। वो क्या देखा कि सब अंदर घुस गया, तो आया, अब पेट्रोल बम था,
उससे हमारी दुकान को आग लगा दिया। दो मोटरसाइकिल खान मोटर ट्रेनिंग स्कूल वाला, उसमें आग लगा दिया। एक बाइक में स्कूटी में आग लगा दिया। और उसके बाद जब आग लगा है तो साइड में सिलेंडर है, साइड में सिलेंडर चाय वाला का रखा हुआ था, चाय बेचता है वो, तो यहीं पर रख देता तो वो ब्लास्ट कर गया। आग पकाऊ पाने के लिए या इस मूवमेंट को रोकने के लिए कितना प्रयास किया गया? हमारे सहायक थाना जो है बेटा, वहाँ कॉल गया, तो बोले हमारे क्षेत्र में नहीं, जबकि वो इमरजेंसी चौक पर थे। उसके बाद तीन चार पुलिस वाले, लाठी डंडा वाले पुलिस वाले वहाँ पर खड़े थे, उन लोग के सामने में लगाया आग। पुलिस वाले के सामने में आग लगाया गया? चार आदमी, 250 आदमी को क्या कर सकता है, उन लोग के सामने में लगाया आग आके यहाँ आके। उस समय जब वो लोग 250 आदमी थे तो आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सामने हिम्मत नहीं कर पा रहे होंगे? कैसे सामने में चार पुलिस वाला के तोड़ता हुआ उन लोग जब 250 आदमी घुस जाएगा तो हम 5 आदमी क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए, 5 आदमी कुछ कर सकता है? तो कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं कि जब आप यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद किस प्रकार की दृश्य को देखे हैं। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी, रजनीश नाम हुआ मेरा, दरभंगा घर है लक्ष्मी सागर। और सबसे पहले तो हम मतलब इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। ये डॉक्टर के लिए ये घटना उचित नहीं है। और जैसा कि मतलब हम आप एक सभ्य समाज में कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है, तो इस घटना के बाद जरूर ही मतलब इस घटना को संदेह करने लगेगा ऐसे भगवान पे। अरे संदेह नहीं, मुझे ये बोलने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये डॉक्टर भगवान नहीं, हैवान था। डॉक्टर इस प्रकार का घटना नहीं कर सकता। डॉक्टर का कर्तव्य हुआ कि जले हुए पर मरहम लगाना, ना कि जला देना। सही इंसान को पूरी तरह से अगर जलाने वाला है तो वो है DMCH का डॉक्टर लोग, जो मतलब रात में इस तरह का जघन्य अपराध किया है। ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते, डॉक्टर के पेशा पे नहीं सवाल उठा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के भेष में ऐसे भेड़िया है जो रात्रि में ऐसे घटना करने के लिए आए हैं, उतालू हुए हैं और ऐसे घटना करके चले गए हैं। तो एक प्रकार से खाल ओढ़ करके ऐसे काम करने वाले जो असामाजिक तत्व के हैं, चाहे मेडिकल के छात्र ही क्यों ना हो, ऐसा घटना किए हैं। तो निश्चित रूप से आपने जो कहे हैं कि मरहम लगाने के बदले उन्होंने जलाने का काम किया है, पूरा आग का लपटा बहुत दूर दूर तक दिख रहा था। और फिर देखे हैं कि मतलब फायर ब्रिगेड की टीम अब मतलब पूरा तरह से अपना काम कर रहा था, लेकिन उससे पहले प्रशासन काम उससे पहले होना चाहिए था। जब मतलब इन लोगों ने प्रशासन को फ़ोन किया, मतलब DM साहब को फ़ोन किया, SSP को फ़ोन किया, DSP को फ़ोन किया, तो उन लोगों का जो रवैया था वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लोगों को लाख बार सोचना पड़ेगा कि एक मैगी के लिए इतना बड़ा घटना हो भी सकता है। और सिर्फ मैगी था, पाँच रुपये के मैगी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि 5 करोड़ का नुकसान है। अब 5 रुपये का मैगी 5 करोड़ की कीमत चुका रहा है। एक और अपडेट कर दें कि जहाँ 5 रुपया में मैगी मिल रहा हो, 2 मिनट में मैगी बना के भूख की जो तृष्णा है उसको शांत कर लें, पेट की क्षुधा को समाप्त करने के लिए इतना बड़ा तांडव किया जा सकता है, तो ये समाज में किस प्रकार का ये दिशा है और समाज किस धारा में जा रही है, ये सोचने वाली बात है। हम आपको दरभंगा में जो घटना घटी है ना, इस घटना के स्थल तक पहुंचकर घटना के संदर्भ में जानकारी लिए हैं, प्रत्यक्षदर्शियों ने जो जानकारी दिए हैं, दुकानदारों ने जो जानकारी दिए हैं, ये जानकारी बहुत ही शर्मनाक और मार्मिक घटना बता रही है कि समाज में जहां डॉक्टरों से उम्मीदें की जाती है, जहां डॉक्टर घावों पर मरहम लगाने का काम करते हैं, तो वहीं ये डॉक्टरों का कर्तव्य नहीं है कि वे जलाने का काम करें। समाज में आपके माध्यम से जलाया नहीं जाता है, बल्कि जले हुए को बचाया जाता है। तो ऐसे में यदि आपकी विश्वसनीयता, आपकी प्रतिष्ठा पर दाव आ जाए तो लोगों को डॉक्टरों के पास जाने से भी थोड़ा हिचकिचाहट होगी कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं या जो जलाने वाले हैं उनके पास जा रहे हैं। डॉक्टरों का इज्जत समाज में कितना है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, चूँकि डॉक्टरों को दोहरी नज़र से नहीं बल्कि प्राथमिक स्तर पर देखा जाता है कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, यानी भगवान के बाद यदि किसी की पूजा की जाती है या किसी को माना जाता है तो डॉक्टरों को माना जाता है। और समाज में डॉक्टरों का क्रेज अभी भी बचा हुआ है, तो आप जैसे नासूर डॉक्टर पैदा ना हो, नहीं तो ये समाज आप पर विश्वास करना या डॉक्टर की जो दिशा है, डॉक्टर का जो विश्वास है, डॉक्टर का जो ट्रस्ट है, ये समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग जो दशा दिए हैं ना दरभंगा में, ये दरभंगा की दशा पूरे विश्व को एक प्रकार से
इशारा कर रही है कि डॉक्टरों के भेष में कहीं भेड़िया तो नहीं पाल रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ की जो घटना देखे हैं, और आप लोग दरभंगा में जो जलाने का काम किया गया है एक मैगी के लिए, इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए।